सारे मॉडल टाउन के पर्दे के पीछे कौन है सामने लाया जाए। शरीफ बरादरान समेत 12 साबिक वज़रा को पूछगछ से भी आजाद कर दिया। बैरियर्स हटाने के लिए कमांडोज और शूटर्स किसने भेजे? अगर पुलिस के सरबरा को तलब किया जा सकता है तो पंजाब हुकूमत के सरबरा को क्यों नहीं? ताहिरुल कादरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। सानिया मॉडल टाउन पर इंसाफ के हसूल तक साथ देने की यकीन दहानी। मॉडल टाउन में जुल्म की बदतरीन मिसाल कायम हुई। मुल्जिमान की गिरफ्तारी और इंसाफ के हसूल तक हम आपके साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। जेल रोड के सर्विस रोड से शोरूम्स की गाड़ियों को हटाया जाए। हाईकोर्ट का हुक्म, सर्विस रोड और फुटपाथ ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बहाल करें। शाम 4 बजे जेल रोड पर ऑपरेशन शुरू कर दें। जस्टिस अली अकबर कुरैशी का एसी सिटी को हुक्म, 1 अक्टूबर को अमल दरामद की रिपोर्ट तलब। आम शख्स हो या पुलिस वाला, कानून सबके लिए बराबर। पुलिस एहलकार और वार्डन हेलमेट पहने वरना चालान होगा। जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने हुक्म जारी कर दिया। डीआईजी ऑपरेशंस को अमल दरामद करने का हुक्म। हेलमेट कीमतों में इजाफा, जिले इंतजामिया का एक्शन। जिले अफसरान की मैकलोड रोड के ताजरों से मीटिंग। ताजरों की लोकल हेलमेट 500 रुपए और इंपोर्टेड हेलमेट 1150 रुपए में फरोख करने की यकीन दहानी। हेलमेट की कीमतों में इजाफा, हाईकोर्ट में चैलेंज। आम आदमी को मुफ्त और मार्केट से सस्ते हेलमेट की दस्तयाबी यकीनी बनाने की इस्तदा। पर्ची नहीं अभी चालान। 90 मुकामात पर वार्डन्स को चालान से रोक दिया गया। सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर ही चालान होगा। अवारी होटल, बेगम रोड, केनाल रोड और दिगर पर वार्डन्स चालान नहीं करेंगे। ई चालान के होते हुए वार्डन्स का चालान करना आवाम के साथ ज्यादती होगी। सीटीओ पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी इंतजामिया का शहरियों से फ्रॉड। 1500 कनाल अराजी के बजाय 5700 कनाल जरीफ फरोख्त की। नैब हुकाम ने तमाम जमीन का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। सोसाइटी मालिकान ने इजाफी 4200 कनाल फरोख्त करके अरबों कमा लिए। पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन का ठोकर पर नैब के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। प्लॉटों की मिल्कियत ना देने पर इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। अथॉरिटी को पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी के ताबे करने का फैसला। फूड अथॉरिटी को जम करने के लिए बनाई गई कमेटी की मीटिंग मिनट जारी। बासर माफिया ने कमेटी बनवाने की समरी निगरान हुकूमत के दौर में विफाक को भेजी। अहम इंकशाफात लाहौर न्यूज पर। ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी की ग्राउंड मुख्तस करने का मामला। हाईकोर्ट की तीनों कंस्ट्रक्शन कंपनीज को ग्राउंड बहाल करने के लिए 1 माह की मोहलत। कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने ग्राउंड के किराए की मद में 24 लाख रुपए का चेक अदालत में जमा करवा दिया। पर आए फ्रीकैन कचहरी के गेट पर लड़ पड़े। एक दूसरे पर लातों, मुक्कों और घूंसों से हमले। फ्रीस्टाइल लड़ाई में खवातीन भी इन एक्शन। एक दूसरे पर डंडों के वार। बीच बचाव कराने वाले पुलिस एहलकारों को भी मुक्के पड़ गए। जुडिशल मजिस्ट्रेट का मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। थाना नसीराबाद में मुकदमा दर्ज। पंजाब हुकूमत और आलमी बैंक का सियाहत, माहौलियात और अर्बन डेवलपमेंट के शोबों में तआवुन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार से आलमी बैंक के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आला का कहना है कि आलमी बैंक पंजाब हुकूमत का एक मजबूत पार्टनर है।
सूबाई हुकूमत क्लीन एंड ग्रीन पंजाब में मुहिम शुरू कर रही है, पसमांदा इलाकों को तरक्की देंगे। अद्वियात के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, नई अद्वियात की टेस्टिंग में ताखीर नहीं होनी चाहिए। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेरे सदारत महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ का इजलास। पंजाब हुकूमत का 80% बजट जारी स्कीमों पर खर्च करने का फैसला, बजट तजावीज आज काबीना कमेटी के सामने पेश होंगी। बजट 10 अक्टूबर को असेंबली में पेश होगा। यकम से पहले तनख्वाह, पंजाब मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, अदालती अहकाम पर 30 सितंबर तक तनख्वाहों की अदायगी का फैसला। महकमा खजाना पंजाब ने तमाम इदारों को अहकाम जारी कर दिए। पाक फौज जिंदाबाद, एपका मुलाजमीन की पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली, भारतीय आर्मी चीफ की गीदड़ भभकियों पर नारे लगाए। डेफ क्रिकेट क्लब्स में मुबैना बेजाब्तियों के खिलाफ लिबर्टी चौक पे एहतजाज, इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी, मुजाहिरीन ने दोनों तरफ से सड़क ब्लॉक कर दी। बेलारूस के सफीर की वजीर आला पंजाब और गवर्नर चौधरी सरवर से मुलाकात, दोतरफा तावन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, वजीर आला से तौनसा शरीफ के वक्त की मुलाकात, वजारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। सौ फीसद सफाई यकीनी बनाई जाए, सॉल्ट वेस्ट इदारों को 3 रोज की मोहलत, सीनियर वजीर की नई मशीनरी की खरीदो फरोख्त का किराया पर हासिल करने की इजाजत। अब्दुल अलीम खान का कहना है कि सफाई के इदारों को खुद इन्हसारी की पॉलिसी अपनाना होगी। यकम अक्टूबर से हर शहर का दौरा करने का ऐलान। जिसका काम उसी को साझे, वालदा के लिए फेस क्रीम खरीदना नौजवान को महंगा पड़ गया, सेल्स गर्ल ने ब्लीच क्रीम थमा दी, वालदा का चेहरा झुलसने पर शहरी सारिफ अदालत पहुंच गया, स्टोर के खिलाफ हर जाने का दावा। हेयर स्टाइल बनाए मगर एहतियात से, हेयर ट्रीटमेंट हो गया उल्टा नुकसान, नाकिस मसनूआत के इस्तेमाल से बाल झड़ने पर खातून का तरशजाद ब्यूटी सैलून के खिलाफ 7 लाख रुपए हर जाने का दावा कर दिया। खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप न देने पर हॉकी स्टेडियम के बाहर पंजाब भर के कोचेस सरापा एहतजाज, कोचेस की जानिब से स्पोर्ट्स बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी, मुजाहरीन गाड़ी के आगे लेट गए, स्कॉलरशिप देने का मुतालिबा। फिनलैंड के सफीर हैरी कैमेरियन का लाहौर चैंबर का दौरा, दो तरफा तिजारत, बाहमी अमूर और मुआशी रवाबित बढ़ाने पर तबादला किया। एक्सपो सेंटर जौहर टाउन में 3 रोजा पोल्ट्री एक्सपो का इनाकाद, मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों के 200 से ज्यादा स्टॉल्स, सूबाई वजीर लाइव स्टॉक ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की अहलिया परवीन सरवर का मकबरा जहांगीर का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया, मकबरा जहांगीर और आसार कदीमा के लिए सरवर फाउंडेशन से फंड जारी करने का ऐलान।